की बात कर रहा है, तो अब क्या होगा कि अब जेल जाने का डर हो गया, तो अब कैसे उनके गोदी में जाए बीजेपी के, तो इल्जाम लगाना शुरू किया हमारे भाई तेजस्वी पे, पूरे परिवार पे, फंसा दो इनको, रेट बढ़वा दो, ताकि किस तरीके से हमको बीजेपी गोदी में ले ले। तो बीजेपी इनको गोदी में ले लिया, तो अब क्या हुआ दोस्तों, केंद्र सरकार फिर बन गया, लेकिन अब फिर नाराज है कि हमको वापस ले लीजिए, हमको बीजेपी में मजा नहीं आ रहा है। तो अब दोनों जो ऐसा अंगूठा दिखाएंगे ना 2019 में कि कहीं के रहने वाले नहीं है, देखो तो नहीं घर का ना घाट का, वही इनकी हालत होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, एज अ विधायक के रूप में हो, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि अपने साथियों के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए जो कोशिश हो सकती है उसमें हम लोग आपका योगदान कर सकते हैं। एज अ विधायक के रूप में मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और ये कोशिश हमेशा रहा है, क्योंकि नियत जिसकी साफ रहती है उसको ऊपर वाला भी मदद कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं विधायक के रूप में बना उसी दिन मैंने पहली चिट्ठी अगर लिखी होगी तो नितिन गडकरी जी को लिखने का काम किया, जाके मिलने का काम किया कि पहला लाइफलाइन कोई सड़क हमारे क्यूटी के अंदर है, तो वो एनएच से 0 माइल से लेकर जय नगर तक है, इसको बनाने का काम कीजिए। और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब हमारा पार्टी ऑफिस खुला था, जब मैं विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा तो इसी पेट्रोल पंप के पास मैंने पहले भाषण में ये बात रखने का काम किया था कि अगर विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से और दुआ से बना तो पहली सड़क कोई बनेगी तो यही 0 माइल से लेकर के जयनगर बनने का काम करेगा, और 15 साल में जो नहीं हुआ है 2 साल में हम लोगों ने उसको पूरा करने का काम किया। यह आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से हम लोगों ने इस पूरी कोशिश को अंजाम देने का काम किया।